जब आप जमीन पे बैठेंगी तो आपका निचला हिस्सा शरीर का जमीन पे टच होगा और आपकी बॉडी का प्रेशर उसके ऊपर आएगा, तो जो रक्त का प्रवाह है, जो बच्चेदानी को ब्लड फ्लो जाना चाहिए, वो कम हो सकता है। और इस समय हमें बच्चे के अच्छे विकास के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो देना होता है, तो आप अगर जमीन पे बैठेंगी तो ब्लड फ्लो में कमी आ सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। प्रेगनेंसी एक ऐसा वक्त होता है जिसमें कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं, वो सोचती हैं कि उन्हें सभी काम छोड़ देने चाहिए। कुछ महिलाएं जरूरत से ज्यादा काम करती हैं। दोनों ही कंडीशन आपके लिए अच्छी नहीं है। प्रेगनेंसी एक ऐसा वक्त है जिसमें आपको बहुत समझदारी से अपने शरीर को देखते हुए चीजों को फॉलो करना है, केयर रखनी है, और वो क्या केयर होनी चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि ये सारी जानकारी आपको रोज मिलती रहे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि नहीं, झाड़ू पोछा लगाना बंद कर देना चाहिए, उठना बैठना नहीं चाहिए, ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीजों को किस हद तक आपको फॉलो करना है, कितना फॉलो करना चाहिए, कितना जरूरी है, कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए और कौन सी चीज बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं। तो सबसे पहली बात कि क्या प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही सेंसिटिव होती, नाजुक होती। अगर आपको किसी कॉम्प्लिकेशन के बाद बहुत मुश्किल से कंसीव हुआ है और आपको लगता है कि आपके साथ रिस्क हो सकता है, तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आप बचिए। बहुत ज्यादा झुकना, बहुत ज्यादा अकड़ आ जाना शरीर में आपके लिए ठीक नहीं है, तो बच सकती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा वर्क आप कर सकती हैं जो कि आप आराम से करें, जिससे कि आपके शरीर पे किसी तरह का दबाव ना आए, उतना आप झाड़ू पोछे का काम कर सकती हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज है कि क्या प्रेगनेंसी में मुझे नीचे बैठना चाहिए, फ्लोर पे जमीन पे बैठ के काम करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेग्नेंट हैं अगर आप, तो आपको जमीन पे कम से कम शुरुआती के 3-4 महीने बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है, ये इसलिए कहा जाता है कि जब आप जमीन पे बैठेंगी तो आपका निचला हिस्सा शरीर का जमीन पे टच होगा और आपकी बॉडी का प्रेशर उसके ऊपर आएगा, तो जो रक्त का प्रवाह है, जो बच्चेदानी को ब्लड फ्लो जाना चाहिए, वो कम हो सकता है। और इस समय हमें बच्चे के अच्छे विकास के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो देना होता है, तो आप अगर जमीन पे बैठेंगी तो ब्लड फ्लो में कमी आ सकती है। केवल इस रीजन से जमीन पे नीचे बैठने को बिल्कुल मना किया जाता है और ये आपको पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। क्या आप प्रेगनेंसी में झुक के कोई काम कर सकती हैं? इसमें आपको समझदारी रखनी है। शुरू के 3 महीने जो होते हैं उसमें पेट का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होता, यूट्रस बड़ा नहीं होता, बच्चे का शेप बहुत ज्यादा नहीं बड़ा होता, उस समय आप हल्का फुल्का झुक सकते हैं। लेकिन उस हद तक, जब तक आपके पेट में तनाव या दबाव क्रिएट ना हो, हल्का फुल्का आप झुक सकती हैं। लेकिन एकदम से झुक जाना या एकदम से उठ जाना, एकदम से खड़े हो जाना नहीं करना है। धीरे धीरे उठना है, धीरे धीरे बैठना है प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में। लेकिन जैसे ही दूसरी तिमाही आगे बढ़ती है, आप तीसरी तिमाही में आती है, 5वें महीने के बाद से आपके यूट्रस का शेप बढ़ता है, बेबी बम्प बाहर आता है, और ऐसी कंडीशन में गलत तरीके से झुकने पे या झटके से बैठने, झटके से झुकने, झटके से उठ जाने, झटके से सीधे हो जाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मसल स्ट्रेच हो सकती है और गर्भाशय पर भी दबाव पड़ सकता है। इसीलिए आपको झुकने में सावधानी रखनी है, ताकि आपके बॉडी का बैलेंस भी ना बिगड़े और मसल्स में स्ट्रेच भी ना आए और आप ना गिरे, आप सुरक्षित रहें। अगली बात आती है ट्रैवल की। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है महिलाओं को कि प्रेगनेंसी में 9 महीने क्या हम बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते, और कुछ महिलाएं हैं इसको बहुत ही इजी लेती हैं, वो आराम से ट्रैवल करती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में आप ट्रैवल तो कर सकते हैं, लेकिन जब जरूरी हो तब, क्योंकि सड़कों पे कितने खड्डे हैं ये आप भी देख सकते हैं, आप भी जानते हैं, और उनसे लगने वाला झटका आपकी बच्चेदानी पे, आपके पेट पे, आपकी रीढ़ की हड्डी पे दबाव क्रिएट कर सकता है, झटका आपको परेशानी में डाल सकता है, तो आपको झटके से बचना है। इसीलिए छोटी दूरी का ट्रैवल कर सकते हैं आप, अगर वो सुरक्षित है। लंबी दूरी का ट्रैवल आप अवॉइड करें, वो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, अपने पेट पे हाथ का सपोर्ट हमेशा रखें। हाथ का सपोर्ट रखने से बच्चे में भी एक फील होता है, एक सेंस होता है, तो हाथ का सपोर्ट जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बम्पी सड़क है या कुछ, तो अपने पेट पे हाथ का सपोर्ट आप जरूर रखें। अपने पीठ पे सपोर्ट लगाएं, सॉफ्ट कुशन लगा सकते हैं, ताकि आपको झटके का ज्यादा इफेक्ट ना महसूस हो। कई महिलाएं कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो मैं भारी सामान तो नहीं उठा सकती, लेकिन मैं उसको खिसका सकती हूं, ये चलेगा? जी नहीं,
उठाने और खिसकाने, दोनों ही कंडीशन में आपकी मसल्स में खिंचाव आ सकता है, पेट की मसल्स में। आप देखें एक बार कोई भी चीज को खिसका के या उठा के, आपके पेट की जो मसल्स हैं साइड की सामने की, उनमें खिंचाव आता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये खिंचाव आपकी बच्चेदानी पे जाएगा, ये दबाव, ये प्रेशर जो आप उठाने का लेंगे या खिसकाने का, वो पूरा बच्चेदानी को प्रेस करेगा, तो ये आपके प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। तो उठाना या खिसकाना 4-5 किलो से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखना है, तो आपको भारी नहीं उठाना है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी सभी सहेलियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर वो अकेली हैं तो अपनी केयर, अपनी प्रेगनेंसी की केयर वो इन चीजों को फॉलो करके कर सकती हैं। अपना ख्याल रखें, शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।